भले ही जबलपुर शहर स्मार्ट सिटी है, पर यहाँ की सड़कें अभी भी स्मार्ट नहीं हैं। जगह जगह गड्ढे और फिर उन गड्ढों में दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। एक बार फिर से जबलपुर की खराब सड़कों का शिकार एक लेडी डॉक्टर बनी, जो कि ऑटो में बैठकर जा रही थी, तभी अचानक ही ऑटो गड्ढे में हो गया और पलट गया, जिसके कारण लेडी डॉक्टर भी गिर गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में लेडी डॉक्टर को चोट नहीं आई। जबलपुर शहर में जगह जगह गड्ढे नगर निगम ने खोद कर रखे हुए। खास बात तो ये है कि इन सड़कों पर गड्ढे खोदने के बाद नगर निगम लापरवाही बरतते हुए इन गड्ढों को यूं ही खुला छोड़ देते हैं। जबलपुर शहर के नेपियर टाउन में नगर निगम गड्ढा खोदने के बाद पानी निकालकर सड़क पर बह रहा था। इसी दौरान एक इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठकर लेडी डॉक्टर वहां से गुजरती है। जैसे ही ऑटो का चक्का गड्ढे में जाता है, वो असंतुलित होकर पलट जाता है और महिला भी गिर जाती है। हालांकि मौके में मौजूद कुछ लोग तुरंत ही महिला को सकुशल ऑटो से बाहर निकाल लेते हैं। खराब सड़कों का शिकार बनी महिला डॉक्टर जिज्ञासा ढिंगना ने बताया कि जबलपुर शहर में नगर निगम सड़कों पर गड्ढा खोदकर उसे भूल जाते हैं, जिसका शिकार वो आज हुई। उन्होंने कहा कि नगर निगम गड्ढे खुला छोड़ देता है और उसमें फिर बारिश का पानी भर जाता है, तो वही गड्ढा जानलेवा साबित होता है। वहीं डॉक्टर ने इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर से भी करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिराक न्यूज। पार कराने की कोशिश किया कि गड्ढे में गिरा, खुद भी गिरा, उसकी रिक्शा भी और मैं भी गड्ढे के अंदर गिर गई। और जब इन लोगों को पूछा कि ये सब क्या है, आप लोग ये क्यों नहीं लगाते हो ब्लॉक, तो ये लोग हंस रहे थे, इनके पास कोई जवाब नहीं।